सिंध के आर्टिस्ट ने पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों को रंगों से सजा दिया है। नवाबशाह के नौजवान आर्टिस्ट सारंग संधु ने 9 साल से सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वॉल पेंटिंग करके शहरों को खूबसूरती में बदल दिया है। उन्होंने कौमी और सकाफती पेंटिंग से पुराने दीवारों और कौमी इमारतों को सजाकर हुब्बुल वतनी का मिसाल कायम कर दी है। थरपारकर के रेगिस्तान से लेकर नवाबशाह, हैदराबाद, टंडवाला यार, जैकबाबाद, खैरपुर, शिकारपुर, मुल्तान और दीगर शहरों में भी अपने खदमात सर अंजाम दी हैं। सारंग संधु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सारंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये पेंटिंग बहुत मुख्तलिफ हमें तो नज़र आती हैं, लेकिन ये शहरों की दीवारों को पेंट करने का ख्याल कैसे और कब आया? जी बहुत शुक्रिया बोलने का, मैं बहुत शुक्रिया। असल में मैं फाइन आर्ट से ग्रेजुएट हूँ। सिंध यूनिवर्सिटी से मैं जब आता था अपने शहर में तो देखता था वॉल्स पे बहुत शॉकिंग होती थी और हकीमों के इश्तेहार। उसके बाद में कॉन्सेप्ट आया कि हम अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैंने ये काम स्टार्ट किया था और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मिलता रहा हूँ। सही। तो सारंग, ये आप मुख्तलिफ शहर मैंने अभी गिनवाए हैं जहाँ पर ये आप पर हैं, तो क्या आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रही होती है? क्योंकि ये खासा एक महंगा काम है, कलर्स के मामले में भी, बाकी सपोर्ट भी, और कितना ये वक्त लगता है, तो ये सपोर्ट कहाँ से आपको मिल रही है? गवर्नमेंट से आप होती है कि सारंग को बुलाओ यार शहर को खूबसूरत दिखाएं? जी मैं असल में क्या है, जब एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हम शेयर करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के साथ। उनको जब अच्छा लगता है तो फिर उनसे मिलकर हम काम करते हैं, फिर कुछ एनजीओस और गवर्नमेंट जो है उनमें सपोर्ट करते हैं तो फिर ये हम काम करते हैं वॉल पेंटिंग का। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की सपोर्ट है। अच्छा सारंग, हमने देखा कराची में कुछ दीवारें बड़ी खूबसूरत बनाई गईं, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके बाद वहाँ पर किसी आमिल की, किसी हकीम की, किसी दवाई की, किसी क्रीम का इश्तहार उन दीवारों के ऊपर जाके किसी ने बना दिया, लगा दिया। दुख नहीं होता कि इतनी मेहनत के साथ आप बना रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत वो दीवारें लग रही होती हैं जब सफ़र करते हैं, इस किस्म के भी अमल हमने देखा है कि उल्टा उन दीवारों को ख़राब करने वाले भी मौजूद हैं? देखें असल में जरूरत इस बात की है कि जब आप पेंटिंग करवाते हैं, गवर्नमेंट करवाती है, तो उसको हमें जरूरत है कि हम उसको मेंटेन करें, मेंटेन रखें उसको। अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर ये खराब होती रहेगी। हमें 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उनको मेंटेन करना चाहिए लाजमी। तो सारंग, आप अकेले इस सारा अमल कर रहे हैं या आपको कुछ साथ टीम है, कुछ जूनियर्स और सीनियर लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं? क्योंकि एक दीवार पेंट करना ही खासा एक तवील काम है और आप तो पूरी पूरी दीवारें बना रहे हैं, मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं उसमें, मुख्तलिफ रंग नज़र कल्चर आ रहे हैं, तो सिर्फ अकेले कर रहे हैं या साथ कोई टीम काम कर रही है आपके? जी ये है कि मैं अकेला ही चला था, मंजिल की जाने लोग आते गए, कारवा बनता गया, ये सिलसिला जब काम शुरू किया था। उसके बाद मेरे दोस्त शामिल हुए जिसमें अभी मेरे साथ, अभी मेरे टीम में है फहीम नदी है, राही राबेल है, आसिफ है हमारे साथ, जाहिद है हमारे साथ, श्याम मोहम्मद है हमारे साथ, बहुत सारे आर्टिस्ट है, जूनियर आर्टिस्ट है, सीनियर आर्टिस्ट है हमारे साथ में काम करते हैं। हम उनको जरिए मुआश भी बना के दे रहे हैं ताकि वो अपने घर को सही तरीके से चला सके। सही। तो आप अब तक, आपकी टीम और आप लोग कितने पेंटिंग्स हैं जो अब तक दीवारों पे बना चुके हैं और कौन कौन से शहरों में, और आगे क्या प्लान है? मैं बोल रही हूँ उसके तवसुन से एक बात बताना चाहूंगा कि नवाबशाह में, सिर्फ नवाबशाह में 1,20,000 स्क्वायर फीट मैंने पेंटिंग की है। अगर आप गूगल में तो सबसे ज्यादा जो काम है वो 60,000 स्क्वायर फीट है। अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती करे, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे तो हम एक आलमी रिकॉर्ड बना सकते हैं सिर्फ नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में। ऑल ओवर अगर सिंध की और पंजाब की बात करूँ जहाँ मैंने काम किया है तो वो तकरीबन 4-5 लाख स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो हमने एक बड़ा काम किया है, लेकिन मकसद ये है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी सरपरस्ती नहीं है हमारे पास। हमें आर्टिस्टों को आगे लाना चाहिए गवर्नमेंट को। अभी जैसे सिंध गवर्नमेंट बन गई है तो मैं सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि आप सिंध के आर्टिस्टों को रिकॉग्नाइज करें, उनको आगे लेके आए, उनसे काम ले रहा हूँ। हम एक आदमी काम कर सकते हैं, आदमी रिकॉर्ड बना सकते हैं। बिल्कुल, असल में सबसे अहम बात तो ये है कि वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ मकामी हुकूमतें हैं, उनका आपके साथ साथ होना चाहिए, वहाँ से कलेब्रेशन जो है वो मुख्तलिफ जो पेंट कंपनीज हैं उनके साथ होनी चाहिए, तो एक अच्छा जेस्चर होगा कि पूरे शहरों को, और फिर शहरी ऑनरशिप लें
अपने ही शहर की दीवारों की ताकि वो शहर खूबसूरत दिखाई दे। तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आपने 1 लाख से ज़ायद वो पेंटिंग कर ली है तो वाकई वो डिस्ट्रिक्ट भी बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आगे क्या प्लान है, सिंध के बाकी शहर हैं, आप कराची शहर सबसे बड़ा सिंध का शहर है, यहाँ तो दीवारों की बहुत बुरी हालत है, फिर बाकी पंजाब की तरफ को प्लान सोचा है कि कहाँ कहाँ जाना है, किधर किधर ये आपने रंग भरने या खूबसूरती करनी है? बोल मैं आने के बाद मैं ये कहूंगा कि हम इंतजार में बैठे हैं, हमें जहाँ से काम आएंगे हम उस शहर में चले जाएंगे, हमें अभी लाहौर में काम है, इस्लामाबाद में काम है, हम वहां जा रहे हैं। सिंध के लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ, मैं सिंध का बेटा हूँ, सिंध के लिए तो मैं जब भी मुझे बुलाते हैं मैं काम करता हूँ और हम रेडी है। हमारा ये प्लान है कि हम सिंध के हर शहर में कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट वॉल पेंटिंग काम करें। अच्छा, वॉल पेंटिंग सिर्फ ये नहीं ब्यूटिफिकेशन है, वॉल पेंटिंग में ये है मोबिलाइजेशन होती है लोगों की, आप कोर्स लिखते हैं वहाँ पे, आप शायर शायर भी लिखते हैं, लोग वो पढ़ते हैं, मोबिलाइज होते हैं, कोर्स लिखे हम, चाइल्ड लेबर के कोर्स लिखे हम वुमेन राइट्स के कोर्स लिखे हम, तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती है, हम इनकलाब ला सकते हैं अपने लोगों के जहनों में, ये चीज ला के हम एक अच्छा मुआशरा बना सकते हैं। सही, ये तो बड़ा अच्छा जेस्चर है कि हर तरह का एक अमन का पैगाम होता है, मोहब्बत का रंग होता है, खूबसूरती आवेजा होती है जब ये कोई भी पेंटिंग है, तो अगर दीवारों पर पेंट है तो फिर तो वो हर आने जाने वाला शख्स देखता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन सारंग एक चीज़ जो है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता आपको कि आप यार ये क्यों दीवारें कर रहे हैं? लोगों को, बहुत से लोगों को तो रंग और अमन और मोहब्बत पसंद भी नहीं है, ये भी अनफॉर्चुनेट हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, तो ऐसा कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आता आपको? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मैंने जो काम किया है ना उसमें ये है कि एक तो कल का बंदा फेसबुक पे लिख देता है कि ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। सही, तो ये एप्रिसिएशन भी बहरहाल बहुत ज्यादा जरूरी है जो आप कर रहे होते हैं। लेकिन सारंग एक चीज मुझे ये बताइएगा, सबसे ज्यादा आपको अपने ही काम में किस शहर में आपको लगा कि यार ये शहर मुझे पेंट करते हुए बहुत अच्छा लगा है और इसकी खूबसूरती में और मतलब वो इजाफा हो, कौन सी चीजें? वैसे तो सबको अपने हर बच्चा पसंद होता है, लेकिन मैं कि सबसे ज्यादा क्या पसंद? मुझे वैसे तो अपना शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नवाब साहब बहुत खूबसूरत शहर है और जिंदा दिलों का शहर है, तो मैं तो हूँ ही नवाब शाह का, मुझे तो वैसे अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे थरपारकर बहुत अच्छा लगा था, मुझे थरपारकर में काम करके बहुत सुकून मिला था और मुझे मौका मिलेगा बहुत अच्छा काम करूँगा मिट्टी थरपारकर में। सही, तो अभी सारंग आप मजीद टीम भी बढ़ा रहे हैं कि इसको टीम भी मजीद लोग आ रहे होंगे दोस्तों का मजीद हो कि यार जो जहां जिस शहर में है वहां से ये काम शुरू कर दे, हर शहर में तो शायद सारंग ना पहुंच सके लेकिन सारंग का पैगाम पहुंच सके। जी, हमारी कोशिश है कि डिपेंड ऑन वर्क के हमें कितना काम मिलता है तो उस हिसाब से हम टीम को बढ़ाएंगे, लोग भी आएंगे, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो आपकी दुआ चाहिए और लोगों को जो हमें देख रहे हैं उनकी दुआ चाहिए कि हमें अच्छा काम कर सके और भी। बहुत शुक्रिया सारंग, आपने दीवारें पूरे दुनिया को दिखा दी हैं और हर रंग है जिसमें खुशबू मोहब्बत की और अमन की आ रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।